दो जिंदा दिल शहर ट्विन सिटीज वालों जाने जाते पंजाब के दो जिंदा दिल शहर की दास्तां पंजाब की गल उस पंजाब तो बिना सदा अधूरी रहेगी जो 1947 की वंड तो पहला सांझा पंजाब हुंदा सी। सांझे पंजाब के दो सिरमौर शहर लाहौर और अमृतसर एक दूसरे की जिंद जान होया करते सन, पर पंजाब का दिल लाहौर 47 की वंड वेले साडे कोलों जुदा होके नवे बने मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। साडे हिस्से आया इसका जुड़वा शहर अमृतसर, जो कि उस वेले लाहौर तो बाद पंजाब का दूजा वड्डा शहर सी। वंड तो पहला सांझे पंजाब के नक्शे नूं जे देखिए तां इह दोनों शहर पंजाब के बिल्कुल केंद्र विच आउंदे सन, जिस नूं बारी दुआब कहा जांदा सी, जो माझा करके ज्यादा मशहूर है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे वेले जिथे लाहौर उन्हां दे विशाल सिख राज दी राजधानी सी, उत्थे ही अमृतसर व्यापारक केंद्र वजों विकसित हो रहा सी। मार्च 1849 विच पंजाब उत्ते अंग्रेजां दा कब्जा होया, जिन्हां ने इत्थे कई तरह दीआं तब्दीलियां कीतीआं, नवीआं नहरां पुटवाईआं, रेल पटड़ियां विछवाईआं अते पंजाब दे हरेक जिले नूं राजधानी लाहौर दे नाल जोड़ दित्ता। अंग्रेजां ने लाहौर नूं पंजाब दी राजधानी वजों मानता दे के इस नूं आधुनिक सिक्ख्या, कला, मीडिया अते फैशन वाले वड्डे केंद्र वजों विकसित कीता। कई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, डाकखाने, कोर्ट, हस्पताल, फिल्म स्टूडियो, रेडियो स्टेशन स्थापित करवाए। पंजाबी, उर्दू अते अंग्रेजी दीआं अखबारां भी लाहौर तो छापणियां शुरू होईआं। पंजाब नैशनल बैंक की पहली ब्रांच भी लाहौर विच ही खुली। तरक्कियां दीआं राहां वल वधदे लाहौर नूं एक नवां नाम पूरब दा पैरिस भी मिलिया। पंजाबी विच इह अखाण अज भी प्रचलित है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वह जम्मिया ही नहीं। इस तरह वंड तो पहलां सांझे पंजाब दा दिल शहर लाहौर पंजाबी बोली अते सभ्याचार दा केंद्र बनिया। जेकर अमृतसर दी गल करिए तां भावें अमृतसर लाहौर जिन्ना वड्डा नहीं सी, पर फिर भी इसकी अपनी वखरी पछाण सी, जो पंजाब दी उद्योगिक अते व्यापारिक राजधानी करके जानिया जांदा सी। चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास महाराज द्वारा वसाए गए इस शहर नूं गुरु की नगरी वजों जानिया जांदा है, जिथे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब सुशोभित है। इस शहर नूं वसाउण वेले गुरु साहिब ने वख-वख कित्तियां नाल जुड़े कारीगर अते व्यापारी इत्थे वड्डी गिणती विच वसाए सन, जिस करके गुरु बाजार वर्गा व्यापारक केंद्र इत्थे होंद विच आया। इत्थों इस शहर दे व्यापारक केंद्र बनन दी शुरुआत होई। अहमद शाह अब्दाली दे हमलिआं नाल बर्बाद होया इह शहर सिख मिसलां वेले एक वार फिर तों वसणा शुरू होया। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया दे समें श्री दरबार साहिब दी मुड़ उसारी दे नाल नाल दरबार साहिब दे दुआले बुंगियां अते कटड़ियां दा निर्माण होया। महाराजा रणजीत सिंह ने इत्थे होर नवें कटड़ियां दा निर्माण करवाया। रोजगार दी भाल विच अमृतसर साहिब आके वसे कश्मीरियां करके इत्थे शाल उद्योग वड्डे पत्तर उत्ते स्थापित होया। दिवाली, मस्या अते संगरांद वर्गे मौकियां उत्ते जिथे श्रद्धालु गुरधामां दे दर्शनां लई आउंदे सन, उत्थे ही व्यापारी भी वड्डी गिणती विच पहुंचदे। यूरोपियन लिखारी ह्यूगल मुताबक पूरे उत्तरी भारत विच जे कोई अमीर शहर सी तां ओ श्री अमृतसर सी। इतिहासकार गणेश दास अनुसार अमृतसर तो वड्डा कोई होर शहर सारे सिख राज वाले पंजाब विच नहीं सी। अंग्रेजां ने साल 1862 विच रेल रस्ते राही इस नूं लाहौर अते साल 1870 विच दिल्ली नाल जोड़िया तां इस दी सनत अते तजारत नूं होर वधन फुलण दा मौका मिलिया। सिख रियासतां दे राजियां, अमीर परिवारां अते होर सिखां दी मदद नाल 1892 ईस्वी विच खालसा कालेज दी शुरुआत होई। इस दी शानदार इमारत दा डिजाइन भाई राम सिंह वल्लों बनाया गया सी। अमृतसरियां अते लाहौरियां दीआं आपस विच रिश्तेदारियां भी बहुत सन। दोनां शहरां दी इक्को जिही पंजाबी बोली, सभ्याचार अते रंग ढंग सन। इस लई इन्हां दोनां शहरां नूं ट्विन सिटीज भी कहा जांदा सी। इक शहर पंजाब दा दिल अते दूजा शहर धड़कन सी, पर कुदरत नूं कुछ होर ही मंजूर सी। पंजाब दी वंड कारण दोवें शहर एक दूजे कोलों वख हो गए। वड्डे शहर होण कारण 1947 दे खून खराबे दौरान दोनां शहरां दा नुकसान भी सब तों ज्यादा होया। जे अज दोवें शहर इकट्ठे हुंदे तां चंडीगढ़ दा कोई वजूद ना हुंदा, पर अजिहा ना हो सकिया। समें नूं कुछ होर ही मंजूर सी।